मैंने कहा कि बस मेरी मर्जी नहीं है। अरे कुकब जी ऐसा मत कीजिए, मैंने अपने तौर पे अरहम को राजी कर लिया है, वो आपको 30 लाख रुपए देने पर भी राजी है। क्या 30 लाख? जी 30 लाख। Are you awake? Yes, I am. Tea was good. Thank you. You were also looking good. Thank you. See you soon. Take care. भाई साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं जानता हूं कि आशिर की गैर मौजूदगी में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आपने मजबूत रहना है, बस हिम्मत नहीं हारनी। ये कहना जितना आसान है, भुगतना उतना ही मुश्किल है। मैं इस घर में किस तरह रह रही हूं ये मैं ही जानती हूं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आशिर के आने से पहले ये घर छोड़कर चली जाती। अगर आप चाहें तो अपने भाई के घर आके रह सकती हैं। नहीं भाई साहब, मैं लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती। कौन बात करेगा, इसमें इतनी हिम्मत है? अगर किसी ने कुछ किया तो मैं खुद उसे संभाल लूंगा, बस आप चले मेरे साथ। प्लीज आप जिद मत करें, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों का। जैसे ही मैं बेहतर समझूंगी आपके घर खुद चली आऊंगी। चले जैसे आपकी मर्जी, मुझे आपका इंतजार है, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अच्छा बस हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, आपने तो कुछ भी खाया पिया नहीं, मैं अभी कुछ लाती। नहीं नहीं भाभी, आज मुझे बहुत काम है और आज इसी भी आज मीटिंग है, फिर
फिर इंशाल्लाह जैसा आप बेहतर समझे। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दोबारा कॉल मत करना यहाँ। भाई प्लीज कॉल मत काटना, जो मैं कहना चाहता हूँ कम से कम सुन तो लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझो, मुझे अभी भी तुम्हारी फिक्र है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मैं पागल थी जो तुम पे जान छिड़कती थी, और तुमने मुझे सिर्फ यूज किया है। देखो माही, ऐसा कहकर हमारे रिलेशन की इंसल्ट मत करो। इंसल्ट? इंसल्ट तो बहुत छोटा लफ्ज है। अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ ना, तो तुम एक बहुत गिरे हुए नीच आदमी हो, जिसकी फितरत में गद्दारी और दगा है। माही, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद? अभी तुमने हद देखी कहाँ है? बहुत जल्द तुम्हें दिखाऊंगी कि माही को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। संभालने का मौका भी नहीं दूंगी। वो तो मैंने वहां से गुजरते हुए सुन लिया, वरना ये तो किसी को खानो खान खबर ही ना होने देते। अल्लाह जाने कब से चल रहा है ये सब कुछ भाई। और ये भी हो सकता है आशर को इन दोनों ने मिलके ही अगवा करवाया हो। बेगम साहिबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जमशेद साहब को तो वो भाई साहब कहती थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही? मुझसे ज्यादा तुम्हें उन पर यकीन है? नहीं बेगम साहिबा, आपकी बात तो मेरे लिए पत्थर पे लकीर है, आपकी बात को कैसे झुठला सकती हूँ। ये तो मेरी सोच से ज्यादा भी शातिर और चालाक निकली। पता नहीं हाशिर ने क्या देखकर इससे शादी की थी। तो फिर अब आप क्या करने का सोच रही हैं? क्यों, तुम्हें किसी को बताना है जाके? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं भला किसको बताऊंगी, मैं तो आपकी वफादार हूँ, आपकी गुलाम हूँ मैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने का सोचना भी नहीं। जिस दिन ये जबान खुली ना, उस दिन ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। मेरे रूम रूम में तो आपका नाम ही बसा हुआ है, मेरी तो जुबान भी आप ही के लिए खुलती है और आप ही के लिए बंद होती है। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगी हमेशा। आपके पैरों में तो मेरी जन्नत है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला। कैसे लगे कौकब बहन आपको वो लोग? आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं। लोग तो अच्छे हैं, लेकिन तुम ही बता रही थी कि उन्हें कारोबार में नुकसान हुआ है और अब भी पैसों की शदीद जरूरत है उन्हें। हाँ ये तो है, कारोबार में नुकसान हुआ है उनको, मगर उन्होंने आपसे कोई तकाजा तो नहीं किया ना। आप खुद तो देख के आई है उनका घर, करोड़ों का बंगला है उनका। थोड़ा सा टाइम दो मुझे सोचने के लिए ना। अरे कौकब बहन, सोच समझ के फैसला करें। आपका होने वाला दामाद उनका अकलौता बेटा है, अगर 30 लाख देकर उनकी करोड़ों की जायदाद आपकी बेटी के नाम हो जाए ना, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। और वैसे भी कौकब बहन, इरज की शादी हो कहाँ रही है, अब अगर मौका मिला है तो हाथ से मत जाने दें। मैं तो कहती हूँ चट पंगी पट ब्याह कर दें।
अरे कुकब जी ऐसा मत कीजिए, मैंने अपने तौर पे अरहम को राजी कर लिया। वो आपको 30 लाख रुपए देने पर भी राजी है, और ये पैसे अरहम से लेके आप इरज के ससुराल वालों को दे दीजिएगा। एक तो उनके सामने आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ साथ आपकी बेटी भी वहां अपर हैंड रहेगी। बस तो फिर अब आप फौरन आंखें बंद करके अरहम से रकम ले लें, वरना सारी जिंदगी आप अपनी बेटियों के जहेज इकट्ठा करने में पैसे जोड़ती रहेंगी और उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजार करती रहेंगी। चलो ना राबिया, अंदर चल के बात करते हैं। ओहो, टेक केयर, सी यू सून। मैं कुछ नहीं बता रही थी, गलती हो गई। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, वो तो मेरा इंटरेस्टेड है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन कॉल और मैसेजेस का क्या मतलब है? वो बस सर से ही सी बात हुई थी। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हें पसंद करने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारी नेक्स्ट टाइम उससे बात हो ना, तो बात को सरसरी मत रखो, आगे बढ़ाना ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। और मैं तो कहती हूँ कहीं बाहर भी चली जाना। मुझे ना तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अगर तुम दोनों में कोई रिलेशन बन सकता है तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसे आजमा लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है राबिया, वो जो कुछ यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ था मैं बस इस वजह से उनकी इज्जत करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर दिल को समझाओ, और अगर तुम अरम से बात नहीं कर पा रही तो एक डिनर रख लेते हैं। बताओ कब और कहाँ रखें। तुम्हारा रेडियो ऑन हो गया ना, ये तो ऑफ होगा नहीं। मैं ही चली जाती हूँ आज। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे घर आई हूँ, कुछ खातिरदारी तो करो। अच्छा, क्या खातिरदारी करूँ मैं आपकी? कुछ खिलाओ पिलाओ अच्छा सा। और क्या कहेंगी मोहतरमा? चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। जी बेटा बोलो। घर कब तक आएंगे आप? मुझे थोड़ी देर लग जाएगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैर तो है? है भी और नहीं भी। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। अरे कोकब जी, आखिर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। आप जिद क्यों नहीं छोड़ देती? क्या बुरा होगा मेरे साथ? सुने, आपको अरहम ने धमकी दी है क्या? उसने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं कहा, ये सिर्फ मैं आपको अपने तौर पे कह रहा हूं। कोकब जी, आप कब तक मुश्किलात और तकलीफें झेलती रहेंगी? एक बात पूछूं आपसे? पूछे। आपको मुझ पर यकीन है? यकीन ना होता तो आज आप मेरे घर में नहीं रह रहे होते। आप जानती हैं कि मैं आपका कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। अगर आप ये समझती हैं तो प्लीज मेरी बात मान लें और अरहम को हाँ कर दें। ज्यादा सोचे मत को कब जी, मैं जो कह रहा हूं वो कर दें, इसी में ही हम सब की भलाई। तो क्या वो पहले 30 लाख दे देगा? मतलब ये कि आपने अपना फैसला बदल दिया। गुड। और जहां तक बात है 30 लाख की, उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र ही ना कीजिए, जब आप कहेंगी आपको मिल जाएंगे। और उससे भी ज्यादा ये कि मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा मान रखी। क्या करूं, इरज क्या सोचेगी? माही, माही बेटा,
अब खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलो तो सही, आखिर बात क्या है? पापा, मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी वजह से कोई टेंशन मिले, लेकिन पापा बात ऐसी है कि मैं उसको छुपा नहीं सकती। बेटा, मेरा सब कुछ तुम ही हो, मुझे तुमसे बढ़कर कोई अजीज नहीं है। जो भी बात है साफ साफ कह दो। बोलो मेरा बच्चा। और हमने शादी से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? मतलब बेटा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? काश ऐसे होता। उसको समझता क्या है वो? मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। पापा, पापा वैसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी। अगर उसने तुमसे शादी ना की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। मैं उसको देखता हूँ कैसे इनकार कर। पापा फिलहाल आप वहाँ नहीं जाएंगे, अभी आप बहुत गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना करके आ जाएं। करना तो पड़ेगा ही, जो मेरी बेटी को ठुकरा दे मैं उसे कैसे चैन से रहने दूंगा। पापा, पापा रुक जाएं, आपको मेरी कसम आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इधर आए बैठे, पापा बैठे। बाजी। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। कैसी मुश्किल? आफिया ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने तो मुझसे कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं घर के हालात देखते हुए कह रही हूँ। हालात जैसे भी हो सामना तो करना पड़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी और ज्यादा बुराइयां करेंगे, मैं सबके सामने और बुरी बना दी जाऊंगी, लेकिन रहना तो मुझे यही है, मुकाबला तो करना इन लोगों का। बाजी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर चली जाएं। क्या बात है शबू, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। फिर इतना मोहताद रहने का क्यों कह रही हो मुझे? देखो शबो, तुम डरो नहीं, जो भी बात है मुझे खुलकर बता दो। मुझे आपकी फिक्र है, इसीलिए कह रही थी आपसे। बाकी मैंने क्या पर्दा डालना और क्या छुपाना, जो होना होगा वो होकर रहेगा, मेरे यहाँ रुकने या चले जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मगर एक बात तो तय है, आशिर की गैर मौजूदगी में मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे ये लोग मुझे मार ही क्यों न दें। जैसे आपकी मर्जी। जमशेद भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे वक्त तो वक्त देना मुझे। मैं करूंगी आराम से बात, मैं उसे कायल करूंगी, मैं मनाऊंगी, वो कभी नहीं टालेगा मेरी बात। और अगर उसने आपकी बात टाल दी तो फिर मुझे मेरे इरादे से कोई नहीं टाल सकेगा। ये बात आप भी समझ ले और अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा।